हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग सीटेट का जो है हम लोग क्या क्या चला प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 13 है, कौन सा, ईवीएस का, ठीक है, ईवीएस का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए अपना, जिस तरह से बनाए थे जो है। आजकल आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं, ना ही देख रहे हैं, ना ही आप लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जो है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एग्जाम होगा, एग्जाम तक आप लोग देखिए तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं देखेंगे तो भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो थोड़ा सा प्यार दीजिए जिस तरह से आप लोग पहले प्यार देते थे उसी तरह से, ठीक। चलिए जो कमियां रहें उसे बताइए, हम ठीक करने की और कोशिश करेंगे जो, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करा है कि ब्रांच जो हमारा कांसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कांसे को, ब्रांच के विषय में कौन सा सबसे उपयोगी जो गोलकुंडा के किले में जो है मिली तोप में से किया गया, सही कथन कौन सा, जो गोलकुंडा में इसका क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। गोलकुंडा जिला हमारा कहाँ पड़ता है बताएंगे, गोलकुंडा किले में इसका मिली तोप को क्या किया गया था, किया गया था। तो सही कथन इसमें क्या, ब्रॉन्ज, तो क्या है, कांसा तथा कॉपर और जिंक का बना रहता है, मतलब कॉपर प्लस जिंक ZN का। तो एक इससे कौन सी होती है, तो कॉपर हम कौन सी धातु होती है, ये पीतल होती है, ठीक है, क्या होती है, पीतल बना रहता है। तो पहला तो हमारा गलत है, ठीक है, एक मिश्र धातु है बट ये क्या है, ये हमारी पीतल का होता पहला, तो पहला हमारा गलत हो गया। कांसा मतलब कॉपर प्लस टिन, टिन की मिश्र धातु होती है, कॉपर Cu+SN जिसको हम टिन बोलते हैं, यह हमारी इसकी क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है, ठीक, क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है। इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हमारा डी कांसा तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु नहीं, कांसा और कांसा एक तत्व है, कांसा एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो राइट पार्ट हमारा क्या जाएगा, बी कांसा कॉपर और टिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इस चीज़ को आप लोग, यह एक मिश्र धातु होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बताएंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना एक छोटा सा जो है भेंट हम के रूप में जो है आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 62 बताएंगे। एक ही जो है, एक ही तरह की फसल बार बार, अगर इसे आपके बार बार उगाने से, बहुत ही रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या होती, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, सभी लोग तो गांव से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कोई खेत है, आप इसी में क्या करें, गेहूँ उगा रहे हैं, ठीक है, अगली साल फिर इसी में क्या कर रहे हैं, गेहूं का फिर उगा रहे हैं, कई बार एक ही फसल को बार बार क्या करें, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो यह भूमि क्या हो जाएगी, यह भूमि क्या हो जाएगी, इसकी जो है उर्वर जो उर्वरा उर्वरा क्षमता है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उपजाऊ मतलब कम हो जाएगी, ठीक है। बार बार आप देखते होंगे अपने घर पे ही, आप लोग भी कृषि से बिलोंग करते हैं, सब लोगों के पास खेती होगी, ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि एक ही खेत में बार बार एक ही चीज़ को नहीं उगाया जाता है, हमेशा क्या किया जाता है, अलग अलग चीज़ का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है ज़्यादा जो है क्या करेंगे आप, कीटनाशक जो रसायन होते हैं उनका, यूरिया का प्रयोग करेंगे, तो यह हमारी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, क्या हो जाती है, बंजर भूमि हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, बंजर भूमि हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को आप लोग क्या याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 62 का राइट होगा। आगे बताएंगे 63, निम्नलिखित में से लेह, लेह हमारा कहाँ पड़ता है, लेह हमारा ये वाला मैप जो है इंडिया का इस वाले हिस्से में हमारा क्या पड़ता है, लेह, ठीक है। अब तो ऐसे कुछ हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, और ये पूरा हमारा क्या है, लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है, याद रखिएगा, ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक, क्या लद्दाख है, ठीक। तो लद्दाख में क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, जो वहाँ के लद्दाख के लोगों का जो होता है, वहाँ क्या करते हैं, पेड़ के तनों से बनी ढालू छतों का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है या गलत है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। वो फर्श उनकी क्या होती है, उसकी बनी रहती थी, निचली मंजिलों में खिड़की, जो उनका दो मंजिला फ्लोर का छत होता है, एक ऊपर वाला जहाँ ये लोग रहते हैं, और नीचे वाले पे क्या रहते हैं, पशु इनके रहते हैं, क्या कौन रहते हैं, पशु इनके रहते हैं, ठीक है, और इसमें कोई खिड़की नहीं होती, ये भी याद रखिएगा, निचली मंजिला में कोई खिड़की नहीं होती है। ज़्यादा जब ठंड लगने लगती है तो ये लोग भी आकर के क्या, निचले वाले मंजिल पे रहने लगते हैं, ठीक है। दो मंजिला मकान बनता है लद्दाख में, ठीक है, और पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पत्थर चीनी और मिट्टी से क्या होती हैं, बनी हुई, मिट्टी और चूने से बनी हुई मोटी दीवारें होती हैं, ये भी सही है और सी भी सही, लकड़ी के फर्श होते हैं, मैंने बताया था ना, लकड़ी की इनकी छतें नहीं होती हैं, इनकी जो किसकी होती हैं, लकड़ी का जो इनका क्या होता है, फर्श होता है, इस बात को आप लोग विशेष याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी, तो हमारा ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आप आगे बताइए,
64, क्वेश्चन नंबर 64 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तरुण भारत संघ है, जो तरुण भारत संघ है, तरुण भारत संघ, ठीक है, तरुण भारत संघ जो है ये किससे है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करता है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये क्या करता है, पुरानी झीलों जो स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल गलत बात है, और भी तो हमारा क्या, पुरानी जो झीलें थीं, जो है जो हमारी पुरानी झीलें थीं उनका क्या करता है, पुनर्निर्मित या पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से संबंधित है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तरुण भारत संघ जो है TBS जिसको बोलते हैं, ठीक है, भारत की ऐसी अशासकीय संस्था, मतलब गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जो ये क्या करती है, जिसे वन हो गए, जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने बनाने का काम करती है, थे जैसे तरुण भारत संघ जो पुरानी झीलों को क्या करती है, पुनर्निर्मित, जो मतलब एक तरह से जिनका क्या हो चुका है, पुनरुद्धार कराती हैं, ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तरुण भारत संघ के बारे में इतना याद रखिएगा, ठीक। चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 65, जो भारत के सांप होते हैं, सांपों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है, तो उनमें कौन सा कथन हमारा सही, हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। नाग कोबरा एक जहरीला प्रकार का क्या है, नाग जो हमारा कोबरा है वह क्या एक जहरीला प्रकार का क्या है, सांप है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। और जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब दांत किसी व्यक्ति को काटता है, जो जहर इस दांतों से उसके शरीर में क्या होता है, चला जाता है, तो ये हमारा क्या है, ए भी हमारा क्या है, सी भी हमारा क्या है, राइट है। सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, जो उसके जहर से नहीं बनाई जाती, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी ए सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 66 बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है बताइए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक। चलिए एक हमारा का निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए, ठीक है, पेट्रोल जो हम पेट्रोल उत्पादन जो हम सबसे पहले इसका कुआं कहाँ, माकूम असम में खोजा गया था, कहाँ पे, माकूम असम में, ठीक, पहला कुआं जो है असम में, ठीक है, अंग्रेजों के समय जो है, ठीक। और जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ से भारत में किया जाता है, बॉम्बे हाई, ठीक है, बॉम्बे हाई, इस भी बात को आप लोग याद रखेंगे, पूछ सकता है कहाँ से जो है, हमारा कहाँ बॉम्बे आई पड़ता है, तो MH महाराष्ट्र में पड़ता है, इस भी बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो अब आप बताइए इसके बारे में क्या, पेट्रोलियम एक अत्यधिक क्या उपयोगी पदार्थ है इस समय देखा जाए तो, जिसका जो हम लोग दैनिक जीवन में क्या बहुत अधिक उपयोग, इस समय दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका, पेट्रोलियम का। इसका निर्माण कोयले की तरह जो वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने से जो है कालांतर में उनमें क्या होता, ऊपर जो उच्च दाब तथा ताप, जो ताप का आयतन के कारण होता है, ठीक है। अब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो पेट्रोलियम को हम लोग क्या करते हैं, परिष्कृत क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल, जब हम लोग इसे नीचे से निकालते हैं सीधा, जो मतलब प्योरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो इसको क्या क्रूड ऑयल के रूप में जाना जाता है। यह काले रंग का होता है, सबसे बड़ी बात है क्या है, नीले रंग का कहाँ का, नीले रंग का तो होता नहीं है, ठीक है, क्या होता है, गहरे रंग का तरल होता है, बदबूदार गाढ़े रंग का होता है, या कैसा होता है, पीला होता है, बताइए क्या होता है, यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा गहरे रंग का तेल, या फिर जो पीला तो होता नहीं है, ठीक है, यह गहरे रंग का तरल होता है, लिक्विड होता है, एक तरह से देखा जाए तो एक गहरे रंग का क्या लिक्विड होता है, बिना गंध का गाढ़ा होता है, और क्या है, यह क्या होता है, पेट्रोल के सही अभिलक्षण, जो बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का क्या होता है, तेल होता है, क्या होता है, गहरे रंग का, बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे लास्ट में इसका प्योरीफिकेशन करके हम क्या कर निकालते हैं, कम प्योरीफिकेशन करते हैं, मिट्टी का तेल निकलता है, फिर उसके बाद डीजल निकलता है, डीजल के बाद हम सबसे जब ज़्यादा प्योरीफाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है बताइए, तो हमारा जा करके पेट्रोल आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 67 बताएंगे, पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण अध्ययन की जो है पाठ्य पुस्तकों में जो है अभ्यास एवं गतिविधियों को क्या कहा जाता है, जो हम पाठ्य पुस्तक में जो है पर अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना क्या कहलाता, प्रकरणों का अंतःनिर्मित क्या कहलाता, प्रकरणों का क्या कहलाता, अंतःनिर्मित कहलाता है, ठीक है, इसको आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक को, मतलब एक पर्यावरण के शिक्षक को क्या विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर क्या ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है,
एक पर्यावरण का अध्यापक क्या करेगा, पुस्तक पे और परीक्षाओं पे बस ध्यान देगा, जो तो गलत बात है। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, ये भी गलत बात है। ठीक, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो 68 सबसे सटीक आंसर है। हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चे को प्रयोग पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उन्हें बाहर ले जाके बताना चाहिए पेड़ पौधों को संरक्षण के बारे में, हमेशा प्रयोग से उनको क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 69 बताएंगे। बताइए क्या कह रहा है, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। बताइए, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो है आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। प्राइमरी लेवल पर जो बच्चा है तो उसे गृह कार्य देना चाहिए, पोर्टफोलियो के माध्यम से आप उसका क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, योगात्मक कार्य के माध्यम से आप कर सकते हैं, या किसके माध्यम से कर सकते हैं। सबसे सटीक तरीका उसका का पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में पर्यावरण के प्रयोग पर क्या ध्यान देना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्राथमिक स्तर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ तरीका उसे आंकलन का गया उसका पोर्टफोलियो। ठीक है, जब प्राइमरी पर आता है। चलिए 70 बताइए, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। मतलब जो पढ़ाते समय वो श्रव्य दृश्य सामग्री यानी विजुअल सामग्री एवं शारीरिक गतिविधि का, मतलब नहीं हाथ से अपना हाथ हिला हिला के बताता है कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे गतिविधि का प्रयोग करता है, क्योंकि वो शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। अधिगम मतलब सीखने में वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का क्या कर रहा है, उपयोग कराते हैं। ठीक है, ताकि इंद्रियों का क्या करे, वो ज़्यादा प्रयोग करे। ठीक है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके बारे में क्या कर रहा है, प्रयोग करके बताता है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सीमा है, सीमा नाम की एक लड़की है। ठीक है, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत, मतलब रट करके क्या करती है, सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को क्या करती है, समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, मतलब उनकी व्यक्तिक भिन्नता। सीमा की क्या है, एक रटने की क्षमता है, मतलब वो रट करके किसी चीज़ को तैयार कर लेती है। और वहीं जो है लीना जो है वो क्या करती है, किसी चीज़ को ब्रेन स्टन लुक कर चर्चा करके सीखती, 2-3 लोगों के बीच में चर्चा करके उसे तैयार क्या करती। लीना की और सीमा की जो व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं वो क्या अलग अलग हैं सबकी, हर एक व्यक्ति की आप अपने कक्षा में देखेंगे, कुछ बच्चे तेज होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ उससे अच्छे होंगे, तो इस तरह के बच्चे होते हैं और सबकी अपनी अपनी क्या होती है, भिन्नताएँ होती हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 72 बताइए, 72 क्या कह रहा है, कह रहा है कि के अलावा, मतलब इन चारों के अलावा जो है निम्नलिखित पर, इसमें से किसी एक के अलावा जो है निम्नलिखित पर्यावरण पढ़ाने की विधि है, के अलावा जो है निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि, समस्या निर्देशित खोज, सहयोगात्मक अधिगम, या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट कराना। बताइए 72, तो 72 व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट कराना हमारा पर्यावरण पढ़ाने, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट कराने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ, बाकी इसकी छोड़ करके, मतलब इसको छोड़ करके बाकी सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा पर्यावरण पढ़ाया जाता है। मतलब खोज के माध्यम से, हम जिसे दिशा डायरेक्शन के माध्यम से भी किसी चीज़ को खोज के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, समस्या को हल करने के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 बताएंगे आप लोग। 73, जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथा का प्रयोग करना सहायता करता है, किस चीज़ में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यह क्या करता है, सही दिशा और ऊर्जा का सरलीकरण करने के लिए, जी नहीं, पाठ को आनंदमयी बनाने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। तो यह क्या करता है, ये पाठ हमारा जो स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की जो प्राकृतिक खोज और कल्पना को करने की योग्यता को क्या करता है, बढ़ाता है। स्थानीय लेवल एवं वैश्विक स्तर पर क्या करता है, यह चीज़ को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट क्या होगा, सबसे सटीक होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 बता दीजिए। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या का प्रकार है। तो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया जो होता है पठन विकार होता है, तो हमारा सी पार्ट सबसे सटीक है। और डिसग्राफिया जो होता है क्या होता है, बोलने का डिसकैलकुलिया, जो हमारा मैथमेटिक्स से संबंधित है। चलिए 75 बताइए, 74 का हमारा सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम में, मतलब एक सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से जो अधिगम सीखा जाता है उसके सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता, उच्च नैतिकता का विकास होता, समूहों में द्वंद्व होगा, गहन प्रतियोगिता होगी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो सबसे सटीक आंसर हमारा क्या होगा, उनकी उच्च उपलब्धि होगी, जो अधिक पुराने बच्चे हैं जब उनका जो कम कुशल विद्यार्थियों के साथ, तो उनकी क्या होगी, उनके साथ बैठना और स्वगरिमा, अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए वो क्या करेंगे, उनसे सीखेंगे। ठीक है, तो यह आंकलन हमारा उससे उच्च उपलब्धि उनको प्राप्त होगी और स्वगरिमा की प्राप्ति होगी। चलिए अब 76 भी यहीं पर बता दीजिए। चलिए अलबर्नी,
अलबर्नी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अलबर्नी कौन था, तो अलबर्नी जो है किस देश से भारत आया था, तो अलबर्नी जो है कहाँ से आया था बताइए, तो अलबर्नी जो है उज्बेकिस्तान से क्या किया था, भारत आया था, ठीक है। अलबर्नी जो है उज्बेक, इसकी एक पुस्तक का क्या नाम है, तारीख़ हिंद, इतना आप लोग याद रखिए, क्या है तारीख़ ए हिंद, क्या थी तारीख़ ए हिंद, इसकी क्या थी एक पुस्तक थी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए 77, क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है मार्ग एक्सप्रेसवे ट्रेन रेलवे टाइम्स टेबल का एक अंश दिया गया है, ठीक है। सूरत है, सूरत से क्या करती है 16:15 पर क्या करती है स्टार्ट होती है, ठीक है। कितना 16:15, मतलब 4:15 पर, और कई बजे 16:20 पर क्या करती है प्रस्थान का, पहुँचने का समय है 16:15 और इसका कितना है 16:20 पर प्रस्थान का, ठीक है। तो आप बताइए दूरी कितनी है, 530 किलोमीटर है सूरत, और फिर दूसरी सीधे ना बलसाड़ है, भिवाड़ी है, फिर कहा मड़गांव है, ठीक है, क्या मड़गांव है। तो आप चलिए हमें क्या पूछा हमसे जो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बाकी तो सब दिया गया है, चलिए बताइए। तो क्या दिया गया, मड़गांव, ये क्या कह रहा है, एक प्रयुक्त तो सूचना सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन ट्रेन द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय तो बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो आप बताइए कितना समय लगा, जो हमारा सूरत कहाँ दिया गया, सूरत ए पहला है, ठीक है, दूरी कितनी है 530 किलोमीटर है, और सूरत से मड़गांव, मड़गांव जा रहे हैं, मड़गांव हमारा सबसे कहाँ लास्ट में, एम 1509 किलोमीटर, तो 1509 में से जो 530 आप माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7 7 आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा कितना 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 9 7 9 आ जाएगा, 9 7 9 आ जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, इस तरह से हमारा ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बचा हमारा डी और ए बचे, ठीक 9 7 9 हमारा, ठीक। अब हमें समय निकालना है, तो क्या कर रहा है, 9 कब से कब चल रहा है बताइए, 4:20 से स्टार्ट हो रहा है, 4:15 से, 4:15 से चल रहा है ना, और 7:35 तक कहाँ तक आ रहा है, 7:35 तक, 7:35 तक, ठीक है, ये हमारा 4:15 है, ये कितना है 7:35, ठीक, कितना 2 दिन का समय ले रहा है, ठीक है, दूसरे दिन आ रहा है, तो यही हमें समय क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन का पूरा टोटल समय तो कितना हो जाएगा बताइए, 16:15 में से आप 7:35 सुबह शाम को चल रहे हैं, और सुबह जो है तो कितना हो रहा है, इस चीज़ को कैलकुलेट करके बताइए, तो 16:15 से सुबह के 4:15 तक आप आएंगे तो 12 घंटे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12 आवर हो जाएंगे। अब 12 आवर 4:15, 4:15 के बाद 5:15 13 हो गया, और 5:15 के बाद 6:15 कितना हो गया 13 14, 6:15 के बाद 7:15 7:15, ठीक है, 7:15 कितना हो गया 7:15, अब प्लस जो है 20 मिनट और जो है, ठीक है, 20 मिनट और जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा टोटल, 20 मिनट और जोड़िए कितना हो जाएगा, 20 मिनट आप और इसमें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, लगभग 15 घंटा और 20 मिनट या 15 मिनट, ये हमारा आसपास आ रहा, तो सबसे सटीक आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15 घंटा 20 मिनट जो है, वैसे मेरे ख्याल से ए पार्ट सही होना चाहिए, ठीक है, ए पार्ट क्या होगा सही होगा, अगर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, 7:15 के बीच में, ठीक, तो ए पार्ट हमारा क्या होगा सबसे सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताइए 18 का, 78 का, ठीक है, जो हमारा प्रयोग प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कार्य में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, मतलब सारी चीज़ों को क्या करता है बहुत तेज़ी से क्या करता है पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए वह एक क्या संकल्पनात्मक को सीखता है, मतलब अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में होता है इसे कि एक ही प्रश्न के क्या होते हैं कई आंसर होते हैं, ठीक है, एक ही प्रश्न के कई आंसर, जैसे मैंने क्या किया आपसे पूछा अपसारी चिंतन में कि दिल्ली के बारे में आप बताइए, तो दिल्ली के बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है, आपसे पूछ लिया सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप क्या क्या बनेंगे, तो आप का एक आंसर होगा हम क्या बनेंगे टीचर बनेंगे, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या बनेंगे, आपके कई तरह के रास्ते बचे हुए हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, आप पीसीएस में भी जा सकते हैं, आप जो है इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आप मेडिकल में भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपसारी चिंतन, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 79 बताएंगे, 79 क्या कह रहा है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, तो हमारा क्या होगा ज्ञान का सहसंबंध और हस्तांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है ज्ञान का सहसंबंध और हस्तांतरण, तो डी पार्ट हमारा क्या होगा सबसे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 बताइएगा, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन आयोजन
एक उद्देश्य के लिए आयोजन है, ठीक है, उद्देश्य के लिए किया गया था, उसके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्धि, ये तो गलत बात है, ठीक है, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए भी, व्यवसाय के लिए शिक्षार्थियों को, ये भी गलत है। तो हमारा सबसे ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं बिना कुछ किए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 बताइए के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से शामिल सभी शामिल हैं, बताइए कौन? सांस्कृतिक है, वातावरण में, शिक्षा की गुणवत्ता है, शारीरिक गठन है, पौष्टिकता है। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन इसमें सभी शामिल हैं? के अलावा मतलब इसको छोड़ करके बाकी सभी क्या हैं इसमें शामिल है, 81 का बताइए। तो शारीरिक गठन को छोड़ करके बाकी सब, शिक्षा से गुणवत्ता, सांस्कृतिक, पौष्टिकता, ये सब जो हमारे क्या है इसमें, जो वातावरण आकार देने के लिए वातावरणीय कारकों को निम्नलिखित में से क्या शामिल है, ठीक। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। चलिए 82 बताइए निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है, कौन जो है मच्छरों से फैलता है? तो हमारा डेंगू भी इसमें क्या हो जाएगा, डेंगू, डेंगू और कौन सा, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया भी हमारा इसी से फैलता है, और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया लंबे समय तक इसमें क्या होता है, चलने से क्या होता है, जोड़ों में दर्द वाला, और इस रोग को उग्र चरण तो मात्र 2 से 5 के लिए हमें क्या होता है, यह है क्या, एडिस मच्छर के काटने से होता है, किसके, एडिस मास्टर, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक है। और डेंगू जो है एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो हमें क्या, एडीज एलिप ए जिप्टी मच्छरों के काटने से होता है, एडीज एल, मलेरिया एक क्या है, वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा क्या करता, फैलता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 83 मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन कौन से, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की, बिहार का एक मधुबनी क्या है जिला है वहाँ की है, ठीक है, बिहार की। यह अत्यतम गुण फाइबर पेंट का होता है, बिल्कुल गलत है। सोना चांदी के घोल का, बिल्कुल, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से, सबसे सटीक आंसर क्या है, पिसे हुए। मधुबनी चित्रकला जो मिथिलांचल क्षेत्र, जो बिहार के दरभंगा, मधुबनी के नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह प्रमुख चित्रकला प्रमुख रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें रंग को बनाने के लिए जो घरेलू चीज़ों का निर्माण किया जाता है, इसमें हल्दी होती है, ठीक है, हल्दी, याद रखिए क्या क्या होती है, हल्दी, केला, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पीसे हुए चावल आदि की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। मैंने बता दिया सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइएगा 84 क्या कह रहा है, एक पब्लिक स्कूल जो होता है हमारा, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले होते हैं, कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित होते हैं, ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ बैठते हैं, तो उपर्युक्त में से कौन सी हमारी कक्षा कहलाएगी? तो यह अनुपालन होगा हमारी समावेशी शिक्षा का, क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा हमारी क्या होगी, अनुपालन होगी, जहाँ सभी प्रकार के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए 85 गैसी अवशिष्ट कौन से, सब्जी एवं छिलके, फलों के छिलके, घरों की नाली का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा हमारा डी, लकड़ी कोयला और जलने से हमें क्या है, धुआं जो प्राप्त होता है वो हमारे गैसीय अवशिष्ट का क्या है, जो एयर पॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे डी पार्ट। चलिए अगला बताइए पश्मीना शॉल जो हमारी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, हमारे 15 इसमें कंटेंट के आते हैं और 15 हमारी क्या आती है, पेडागॉजी आती है, ठीक है। तो बताइए जो पश्मीना शॉल है, लगभग जो है साधारण स्वेटर को गर्म कितना, जो है पश्मीना शॉल को बुनने में कितना समय लगता है, सबसे सटीक आंसर है बताइए, तो 200 घंटे लगते हैं। तो हमारे ये तो 250 घंटे वाले गलत हो गए, तो 200 घंटे लगते हैं, तो कौन कौन से बताइए? तो या तो क्या होगा, इसमें जो है पश्मीना शॉल लगभग 10 स्वेटरों के बराबर क्या करती है, गर्म करती है, ठीक है, 10 स्वेटरों के बराबर क्या करती है, गर्म करती है, तथा एक साधारण शॉल की बुनने की अपेक्षा कितना, 200 घंटे लगते हैं। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए 87 सीता की शिक्षिका, सीता सरिता एक लड़की है जिसकी शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों को, मतलब ग्रुप में जो है रखती है, जैसे समूह चर्चा के लिए, समूह परियोजना के लिए आदि, उसकी जो शिक्षिका सीखने के आयाम का अनुगमन कर रही है। तो भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधियों के रूप में उसे क्या, समाज में जो है ग्रुप में जो उसे क्या करना चाहती है, मतलब उसके अंदर ग्रुप चर्चा करा रही है और समूह चर्चा करा रही है, ताकि वो सामाजिक गतिविधियों के रूप में क्या करे, सीखे जो है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए 88 बताइए नेफथिन्स का पौधा है जिसमें मेढक कीड़े को, चूहे और जैसे छोटे जीवों को अपनी अंदर क्या कर लेता है, फंसा कर खा जाता है, हमारे देश में वह कहाँ पाया जाता है? तो हमारे देश में वो कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, सबसे आसान आंसर है और सबसे सटीक है, ठीक है, क्या करता है, खा जाता है, हमारे कहाँ, मेघालय में पाया जाता है नेफथिन का पौधा। चलिए 89 बता दीजिए उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, बताइए पैराफिन मोम, ग्रीस, कोयला, पेट्रोल, बताइए क्या, पैराफिन मोम, ग्रीस, पेट्रोल या फिर जो कोयला।
तो इनमें से सबसे भिन्न क्या है? कोयला है, ठीक है। कोयला अन्य तीनों से भिन्न है क्योंकि पैराफिन, मोम, ग्रीस, एक क्या है, पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रोल, पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, जबकि कोयला जो है पेट्रोलियम के से नहीं बना है, ठीक है। अगला बता दीजिए 90, आज का लास्ट क्वेश्चन। बिहार के गांव में बहुत से किसान जो है अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करते हैं, यह कार्य जो मधुमक्खी पालन वाला कब होता है? तो अक्टूबर से कब तक होता है? दिसंबर के महीने में यह कार्य किया जाता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन वाला, ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर महीने में यह काम किया जाता है, ठीक है। तो आप बताइएगा जो है लगभग आप जो 30 में आपके कितने सही हुए हैं, अगर आप 28, 29 या 30 सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेटर है, आपके 30 में 30 कोई नहीं रोक सकता है इसमें भी, ठीक है, 30 में 30 कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इसमें करंट अफेयर या सारी चीज़ें ये सब नहीं आती हैं, ठीक है। तो आप लोग बस अपना फोकस बनाए रखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर करेंगे, उसी को 2 बार 3 बार 4 बार कर डालिए, मैं तो कहूँगा। अब प्लस जो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं थोड़ा वो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेंगे, जो है किसी भी चैनल के से, जो है किसी भी वेबसाइट से, एक एग्जामपुर टेस्ट वाला करके है, एग्जामपुर से, आप, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, आप लोग तो वहाँ जो फ्री में कराया जा रहा, तो आप लोग वेबसाइट पर www.testwala.com डालेंगे तो वहाँ से जा करके आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बेटर है जो है, ठीक है, एक भी रुपये वहाँ नहीं लगता है, ठीक। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी बेटर तैयारी होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।